प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड से आयुष्मान भारत बीमा योजना प्रधानमंत्री जनवरी आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जनवरी आरोग्य योजना के तहत सरकार का देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के मुताबिक ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ गरीब परिवारों को इससे लाभ होगा। लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी ने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट एयर हेल्पलाइन को लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अपना आयुष्मान योजना के लाभार्थी है या नहीं, यह आप इस NHA द्वारा शुरू की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित मदद के हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं। साथ ही अस्पताल में आयुष्मान मित्र से भी मदद ले सकते हैं। लाभार्थियों की सूची में नाम ऐसे जाने: आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ABNHPM को लागू करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA ने एक वेबसाइट तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए यह पता किया जा सकता है कि लाभार्थियों की अंतिम सूची में किसी व्यक्ति नाम है या नहीं। इसके लिए कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत की वेबसाइट meramj.gov.in पर अपना नाम चेक कर सकता है या फिर हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल भी कर सकता है। लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जिस पर OTP के जरिए सत्यापन होगा और उसके बाद बिना किसी दस्तावेज के KYC अपने कस्टमर को जाने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। योजना के तहत आयुष्मान मित्र भी हुए तैनात, ऐसे करेंगे मदद आयुष्मान भारत योजना की। देश के कई राज्यों और जिलों में पायलट ट्राई अजेक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लाभार्थियों की मदद करने के लिए आयुष्मान मित्र भी तैनात किए गए हैं। ये आयुष्मान मित्र आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की मदद करेंगे। वह लाभार्थी व हॉस्पिटल के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इन अस्पतालों में होगा इलाज। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश भर में 10 करोड़ परिवारों को लोगों को मिलेगा। साथ ही इस योजना के लाभार्थी देश भर में सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इतना ही नहीं, सभी राज्यों के सरकारी अस्पतालों को इस स्कीम में शामिल माना जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट सारे अस्पताल में भी शामिल रहेंगे। यहां मरीज का भर्ती कराने से लेकर उनका इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान कराने का सारा काम आयुष्मान मित्र संभालेंगे। आयुष्मान भारत योजना के लाभ। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। देश में 1.5 लाख गांव में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे। यहां सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं होगा, बल्कि यहां पर हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मिलेगी।